हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस डी सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरा नाम है सोनल कुमार और इस चैनल पर मैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आप सबको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बोल रहे थे कि भैया ये बताइए कि जिनका अभी तक कोई प्रीलिम्स नहीं निकला है, एसबीआई पीओ भी अच्छा नहीं गया है, आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स भी अच्छा नहीं गया है और आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो उनको किस स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहिए ताकि उनका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए इस बार। ठीक है, तो मैं बस आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्रोसेस सभी एग्ज़ाम का सेम ही होता है। ठीक है, आईपीएस क्लर्क ये होता है कि पीओ और आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से थोड़ा कम लेवल का एग्ज़ाम होता है, बट फिर कट ऑफ के हिसाब से देखिएगा तो कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है। तो आपको मॉक में, आपको यदि आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से भी हो, या तो आपको 75+ का टारगेट रखना पड़ेगा। यदि आप हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट से हो, बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली वगैरह से, राजस्थान, तो आपको ये करना पड़ेगा। और अदर स्टेट वालों का, साउथ वालों का कुछ ही कम जाता है इससे, हल्का सा कम जाता है, बट लगभग वही वो लोग भी 70+ का टारगेट लेके चले जनरल कैटेगरी। और तो ये था कि हमें कितने मार्क्स स्कोर करने। ठीक है, अभी से प्रिपेयर कैसे करना है? अभी सबसे पहले आपको डेली मॉक देना चाहिए, एक ही मॉक दीजिए बट उसको एनालिसिस अच्छे से करिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप दिन में 4 मॉक दीजिए, 5 मॉक दीजिए, कभी मत दीजिए, वो बेवकूफ़ी है और वो देने से उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप 4 मॉक देकर, आपको लगता है कि आप 4 मॉक एनालिसिस करके आप क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं कर पाओगे आप। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक मॉक दीजिए, उसको सही से एनालिसिस करिए और देखिए कि उस मॉक में जहाँ जहाँ से मेरे क्वेश्चन छूट गए हैं या स्पीड के कारण, या हमें नहीं आते थे, तब तो उसको टॉपिक को ठीक करना नहीं है क्योंकि वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है। यदि ऐसा है कि स्पीड के कारण आपका वो छूट गया, तो आपको ये करना है कि तुरंत जाके उस टॉपिक के 25-30 क्वेश्चन उसी टाइम एट ए टाइम सॉल्व कर लेना है। और हर एक चैप्टर से आपको थोड़ा मेहनत अभी करना होगा, 10 से 11 घंटा आपको मेहनत करना होगा ऐसा लगता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं भी सेम करता था, 10 से 11 घंटा उस चीज़ को कवर करता था। क्योंकि मॉक देना देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा मॉक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही मॉक लगा के उसको सही से एनालिसिस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डेली, ये इंपॉर्टेंट है। बस यही कह रहा था, तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं जल्दी नए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, आप सब प्रिपेयर करते रहिए और सिलेक्शन पक्का होगा आप लोगों का। बाय।